पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होनी है, जिसको लेकर जनपद संभल में तैयारी पूरी की जा चुकी है। मतगणना सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय स्थित स्टेट वेयर हाउस के हॉल में की जाएगी, जिसमें पहचान पत्र धारक कर्मचारी संभल लोकसभा के अंदर आने वाली सभी 3 और बदायूं लोकसभा के अंदर आने वाली 1 विधानसभाओं के लिए लगी 14-14 टेबल पर ईवीएम से मतों की गिनती होगी। अतिरिक्त कक्ष में पोस्टल पत्रों की गिनती की जाएगी, जिसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अवनीश कृष्ण सिंह ने देते हुए बताया कि मतगणना में कार्य करने वाले सभी अभिकर्ताओं और रिटर्निंग ऑफिसर को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। अभिकर्ता को आवंटित मेज पर ही बैठेंगे, उनको हाल में घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। वहीं विजयी जुलूस पर प्रतिबंध के विषय में उन्होंने बताया कि धारा 144 के अंतर्गत सभी तरह के जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसकी जानकारी उम्मीदवारों के साथ की गई मीटिंग में भी दे दी गई है। साथ ही सभी अभिकर्ताओं को बताया गया है कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ज्वलनशील पदार्थों को ले जाना पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया सेंटर बनाया जाएगा, जहां हर राउंड की जानकारी डेटा सुविधा पोर्टल और मीडिया सेंटर को जारी किया जाएगा। मतगणना कराया जाएगा और दो जो विधानसभा मुरादाबाद जनपद में आता है, कुंदरकी और बिलारी, वहां का चक्रवार शीट प्राप्त करके पूरे लोकसभा का चक्रवार परिणाम की घोषणा यहाँ की जाएगी। मतगणना परिसर में ही आवश्यक सारी जरूरत की व्यवस्था हम लोगों ने किया है और सभी के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि यद्य छोटा परिसर है पर वहाँ पर सभी के लिए मोबाइल टॉयलेट्स जो हम लोगों के जनपद में अवेलेबल था उसको मंगा करके हम लोगों ने वहाँ पर लगवाया है और इसके अलावा पानी के पीने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर हेल्थ के लिए भी एक छोटा कैंप बनाया गया है। बाकी जो सर्विस सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हो, पावर का डिपार्टमेंट हो या टेलीफोन का डिपार्टमेंट हो, फायर का डिपार्टमेंट हो, सभी के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अलग अलग व्यवस्था किया हुआ है। बिना पहचान पत्र के या बिना अथॉरिटी लेटर के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तो ये सारा कुछ वहाँ का इंतजाम मतगणना के लिए किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मतगणना का परिणाम आने के बाद किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। विजय जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और मतगणना का परिणाम प्राप्त करने के लिए भी जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि उम्मीदवार के साथ अधिकतम 4 लोग रिटर्निंग ऑफिसर के पास निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने के लिए आएंगे तो उसका भी 100% अनुपालन किया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। इस बार का जो काउंटिंग का परिणाम है वह न्यू सुविधा पोर्टल भारत निर्वाचन आयोग ने डेवलप किया है, उसके माध्यम से चक्रवार परिणाम ऑनलाइन भी डिस्प्ले होगा। जैसे ही विधानसभाओं में वह परिणाम फाइनल होगा तो वो परिणाम जो है एक्साई होकर के लोकसभा के टोटल परिणाम के रूप में और विधानसभा का अलग अलग परिणाम के रूप में भी वह न्यू सुविधा पोर्टल पर डिस्प्ले होगा। मतगणना परिसर में हम लोगों ने मीडिया सेंटर भी और कम्युनिकेशन सेंटर भी प्लान किया हुआ है। वहाँ पर हमारे मीडिया के जो भी साथी हैं वो अपना अथॉरिटी लेटर, परिचय पत्र लेकर के वहाँ पर जाएंगे और वहाँ की मतगणना की व्यवस्था को और मतगणना के परिणाम को वह चक्रवार, ऐसा हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि वहाँ पर उसके लिए आप मीडिया सेंटर के लिए नोडल ऑफिसर भी बनाया हुआ है जो एडीएम साहब खुद है और उनके संयोजक जो जिला सूचना अधिकारी है और एक और अधिकारी जो जिला कार्यक्रम अधिकारी है। मतगणना स्थल पर रहेगी और उसके बाहर हमारे
डीएसी का डिप्लॉयमेंट रहेगा, जो हमारा एंट्री गेट है, दो एंट्री गेट है, वहाँ पे हमारे फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। हमारा जो बैरियर है जहाँ से एक्टर भी रोका गया है गाड़ियों के आवागमन को, वास्तविक और जो ये चौराहा है जहाँ हम चौराहा यहाँ से लेकर के दोनों जगह पे हमारी जो यातायात व्यवस्था के पूरे बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसको रूट आयोजन किया गया है। 6 जगह पे हमने रूट आयोजन किया है, जो कैला देवी फाकट से रूट आयोजन है, संभल से रूट आयोजन है और आगे इधर कैल चौराहे से आयोजन है। तो इस तरीके से भारी वाहन का, मिडिल वाहन का, सभी का आयोजन भी रखा गया है। जो मेन रूट है हमारा उसको बंदी रखा गया है पूरे रोड डे के लिए, वहाँ पे वाइकिंग डिस्ट्रिक्ट रहेगी। जो पार्किंग की व्यवस्था है वो लाइन की तरफ जो हमारा पुलिस लाइन है आगे वेयरहाउस के आगे, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उसमें हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की पार्किंग की व्यवस्था है, सारी गाड़ियाँ वहाँ पार्क होंगी और सबके रोड बनाए गए हैं। सभी पर्याप्त रोड से ड्यूटियाँ लगाई की गई हैं। पूरे जनपद को 3 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है। 31 हमारे जो सेंट्री पॉइंट है उनको चिन्हित किया गया है और वहाँ पे वो डिप्लाई की गई है। जिले में भी जिले में हमने सभी थाना क्षेत्रों में फोर्स डिप्लाई किया प्रॉपर तरीके से, उसमें भी हमने डीएससी और सीपी नोट लगाई है। लो एंड ऑर्डर की किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे यहाँ फायर टेंडर भी लगाए गए हैं। 3 फायर टेंडर वहाँ पे वेयर हाउस पे खड़े किए गए हैं। जनपद में कई जगह जो हमने बैरियर बनाए वहाँ पर फायर टेंडर खड़े किए गए हैं। इस तरीके से पूरी व्यवस्था चार चौबंद रखी गई है। अंदर की पूरी व्यवस्था सीपीएमएस के हवाले है मुख्य रूप से, और बाहर की पीएससी और लोकल पुलिस और इनके साथ मिलकर के सभी व्यवस्था है। सभी की ओवरऑल हमारे यहाँ पे एडिशनल स्पीड के इंचार्ज है, प्रभारी है। इसी के साथ 3 CEO मौके पर लगाए गए वेयर हाउस से और 1 CEO एडिशनल रूप में लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। तो पूरा व्यवस्था की गई है और शांतिपूर्ण मगर